ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अवैध नियुक्तियों का आरोप लगाकर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया। प्रदेश के सभी 70 विधानसभा सीटों पर उच्च शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर पार्टी ने प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जो नियुक्ति की गयी है वो नियुक्तियाँ उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और कुलपति ने अपने करीबियों और बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोगों को दी। उन्होंने कहा कि राज्य के हजारों बेरोजगार हैं जो नौकरी के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मंत्री और कुलपति अपने चहेतों को अवैध तरीके से नौकरियां देकर राज्य में युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, इसलिए कुलपति को तत्काल बर्खास्त कर शिक्षा मंत्री को भी अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में तकनीकी अकादमिक और प्रशासनिक पदों पर बिना हमारी राज्यपाल को बताए हुए, बिना सरकार के आदेश के फर्जी नियुक्तियां करी गई है, 56 फर्जी नियुक्तियां, जिसमें कि एक हमारे धन सिंह रावत जी उच्च शिक्षा मंत्री जो हैं उनके पीआरओ भी शामिल हैं। सरकारी नियम कायदे कानूनों को ताक पे रखते हुए किस प्रकार से खुलेआम गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के शासन में की जा रही है, 56 फर्जी नियुक्तियां, जिनकी पूरी हमने पूरी हिस्ट्री और पूरे तथ्य हमने मीडिया के समक्ष रखे हैं, मीडिया प्रेस वार्ता के माध्यम से, और हम धन सिंह रावत पे तत्काल ये मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे भ्रष्ट अपने मंत्री को तत्काल प्रभावों से बर्खास्त करें, उन पे जांच हो और वो जेल जाएं। भाजपा की श्रीनगर में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में खाली पड़ी कुर्सियों को कांग्रेस ने राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में खाली पड़ी कुर्सियों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने 500 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भाजपा में शामिल होने का बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर 500 लोग जन आशीर्वाद रैली के दौरान बीजेपी में शामिल हुए थे तो वहां कुर्सियां खाली क्यों पड़ी हुई थी। कहा कि बीजेपी जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के झूठे बयान दे रही है। कांग्रेस ने उन सभी लोगों की लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी मैं एक बात और कह रहा हूं, लोग कांग्रेस में वोट छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, कल भी जो है 100 लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो और आज 500 लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कर रहे हैं। के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो ये बयान है वो सरासर गलत है। आप खुद ही देखिए कि अगर 500 कार्यकर्ता कांग्रेस के वहां पे शामिल होने गए हैं भाजपा में तो क्या वो पंडाल खाली होता, वो 500 कार्यकर्ता कांग्रेस के कहां थे और कहां पे उन्होंने शामिल किया है। मैं तो माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कृपया उस वीडियो को जारी उजागर करें जनता के सामने। हम तुम्हारे साथ हैं, उडियाल जी तुम संघर्ष करो। बद्रीनाथ धाम में विगत 20 दिनों से चार धाम यात्रा सुचारू हेतु बद्री संघर्ष समिति के नेतृत्व में क्रमिक अनशन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें विगत 5 दिनों से धर्मराज भारती मुनि बाबा ने अमरण अनशन शुरू किया हुआ है। इसी क्रम में आज चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हुकूकधारी महापंचायत के अध्यक्ष कृष्ण कांत कोठियाल ने साकेत तिराहे पर चारधाम यात्रा शुरू करने व देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर मुंडन करवाकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हुकूकधारी महापंचायत के अध्यक्ष कृष्ण कांत कोठियाल ने बताया कि चारधाम यात्रा सुचारू करने व देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर आज मैंने मुंडन करवाया है। मैंने गत वर्ष भी धाम में सरकार के खिलाफ मुंडन करवाया था, जिसके बाद सरकार की दुर्दशा साफ तौर पर दिखी और 3 मुख्यमंत्री बदले गए। कोठियाल का कहना है कि तीर्थ पुरोहित व स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है, लेकिन ये बात सरकार को नहीं दिख रही है। इस अवसर पर बद्री संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेश मेहता, मुन्ना लाल टोडरिया, आलोक मेहता, विनीत पवार, नवनीत मेहता, प्रभात रतुड़ी, सुबोध, भूपेंद्र शर्मा, जसवीर मेहता, अरविंद पंचुरी, अभिषेक ध्यानी व अन्य लोग उपस्थित रहे। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि मुंडन क्यों कराए। जब कोई अपशकुन होता है, हमारे हिंदू धर्म की मैथोलॉजी के अनुसार जब कोई अपशकुन होता है तो हमारे हिंदू धर्म में यह है कि सबसे पहले उस मृतक आत्मा, घर में कोई दिवंगत हो जाता है तो उसके लिए बाल दिए जाते हैं और ये बालों से उसको एक तरह से उसका वो किया जाता है, संस्कार किया जाता है। ये बाल, ये मुंडन भाजपा सरकार की हठधर्मिता, भाजपा सरकार की तानाशाही, भाजपा सरकार की गुंडागिर्दी, भाजपा सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को
खामखाम मतलब बना दिया, यहाँ चार धाम यात्रा बंद कर दी, उसके उपलक्ष्य में ये मुंडन कार्यक्रम रखा गया। युवती से बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार। युवक पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने व गर्भपात कराने का आरोप लगाकर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और पीड़िता के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए और गर्भवती होने पर उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भपात करवा दिया गया। युवती से 4 लाख रुपए हड़प लिए जो कि अब तक वापस नहीं किए हैं। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला पुलिस वहां पुलिस की सहायता से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार विक्रम सिंह पुंडीर आनंद सिंह निवासी ग्राम बिठोली पोस्ट ऑफिस खेद थाना पौड़ी गढ़वाल हाल निवासी कंपनी बाग हैप्पी वैली मसूरी उम्र 40 वर्ष को धारा 376/313/406/494/504/506 के तहत पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना महिला उप निरीक्षक शशि पुरोहित थाना राजपुर को दी गई है, जिसके द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई है। पुलिस टीम ने एसएसआई मनोहर सिंह रावत उप निरीक्षक शशि पुरोहित प्रदीप कुमार शामिल रहे। सीओ नरेंद्र पंत ने बताया कि अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है एवं उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही इस मामले में दोषियों को शीघ्र ही न्यायालय में पेश किया जाएगा और पुलिस द्वारा जारी विवेचना के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, एक मामला सामने आया है जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया, व्यक्ति द्वारा उसके साथ जबरदस्ती की गई और उसको धोखे में रख के उसके साथ मंदिर में शादी की गई, जबकि वो पुरुष पहले से विवाहित था और इस प्रकार वो गर्भवती भी हुई है और गर्भपात कराया गया है। तो इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई कि इन्होंने जबरन मेरे साथ ये किया, मुझे धोखे में रखे किया गया है, तो मुकदमा तुरंत से पंजीकृत किया गया था और हमने गिरफ्तारी भी कर ली है और उसको रिमांड लेके कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। राजधानी देहरादून में प्रेस क्लब में उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी उनपा द्वारा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर पार्टी का प्राथमिक घोषणा पत्र जारी किया। साथ ही पार्टी देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इस अवसर पर पार्टी द्वारा देहरादून में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उत्तराखंड जनहित पैदल मार्च का आयोजन किया जाएगा, जो सुबह 11 बजे शहीद स्मारक से शुरू होकर उत्तरांचल प्रेस क्लब पर समाप्त होगा। पार्टी देहरादून से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी और 2022 में चुनाव लड़ने वाले कुछ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी करेगी। पार्टी के मीडिया प्रभारी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ओंकार सिंह कोहली ने बताया कि उनपा 2022 में पहाड़वाद और नैतिकता को चुनाव के आधार बनाएगी और अपनी 11 भीष्म प्रतिज्ञाओं से उत्तराखंड का नवनिर्माण करेगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है। उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी के 3 उम्मीदवार, मैं स्वयं डॉक्टर मुकेश पंत कर्णप्रयाग क्षेत्र से, हमारे राजेश सिंह पंवार जी कोटद्वार से और हमारे कमल किशोर ध्यानी जी चौबट्टा खाल से उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी के प्रत्याशी होंगे, उम्मीदवार होंगे और अन्य नामों की घोषणा जल्द की जाएगी। और आज हमने जो है एक प्राथमिक घोषणा पत्र, कोई भी पार्टी जो है घोषणा पत्र लाती है तो अक्सर पार्टियां चुनाव से पहले घोषणा पत्र लेकर के आती हैं, लेकिन हमने कई फेजेज में अपने घोषणा पत्र को लाने की योजना बनाई है। ये आज प्राथमिक घोषणा पत्र था जिसमें हमने पार्टी के एक कोर आइडियोलॉजी को रखा है कि हमारी 11 भीष्म प्रतिज्ञाएं हैं और हमारे कुछ राजनीति है, कुछ राजनीति है, हम कैसे राजनीति करते हैं, कैसे राजनीति करते हैं और कैसे हम दोनों का समन्वय बना करके एक स्वस्थ समृद्ध और खुशहाल उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, इसी पर हमने आज चर्चा की और ये घोषणा पत्र हमने आपके सामने रखा। भारत में शिक्षक दिवस पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने छात्रों से जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी। भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, साथ ही क्लास में इस दिन बच्चों खुद टीचर बनकर पढ़ाते हैं। शिक्षक का किसी भी छात्र के जीवन में खास महत्व होता है, क्योंकि कोई बच्चा अपने माता पिता के बाद जिससे सबसे ज्यादा सीखता है वह टीचर ही होता है। शिक्षक एक बच्चे के भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एक शिक्षक के बिना छात्र का जीवन अधूरा रहता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे जो पूर्व छात्र हैं उन्होंने कहते हैं सम्मान समारोह शिक्षकों के प्रति आयोजन किया है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम से है ये, और इस प्रकार का अपने छात्रों के द्वारा अपने अध्यापक को अपने गुरुजनों को दिया जाना
बहुत ही अच्छी और सम्मान अच्छी बात है। मैं तो पार्टिसिपेट किया, मैं स्कूल की स्टूडेंट रही पहले और बाद में टीचर भी हूँ। अभी 28 साल से मैं टीचिंग भी कर रही हूँ इसी स्कूल में, तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि यहीं पे मैं पढ़ी और यहीं पे पढ़ा भी रही हूँ। तो और ये जो ऑर्गेनाइजेशन किया है इन्होंने, आरिफ और आरिफ की पूरी टीम, उसके लिए बहुत बहुत मतलब थैंक यू। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया और बहुत ही हम लोगों को अच्छा लगा है। शिक्षक दिवस हमारे जितने टीचर्स लोग हैं सबको सम्मान करना, इस तरह से बाहर से आ रखे हैं टीचर लोग, सबका सम्मान। मेरा नाम छीनू है, छीनू साहब। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। शिक्षक दिवस पर आज के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी देश के उपराष्ट्रपति बने और दूसरे राष्ट्रपति बने, ठीक है। और शिक्षक के उस पर मैं एक लाइन कहना चाहूँगी, शिक्षक वो चीज़ है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। बस सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है आप, कर्म के दाता है आप, कर्म के दाता है। ये है जेएमडी न्यूज़ एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान।